की सबसे बड़ी खबर है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। वहीं मृतक की मां ने कहा कि आरोपी छात्र पर सख्त कार्रवाई की जाए। मृतक की मां ने कहा कि सख्त सजा ही हमारा मुआवजा होगा। पुलिस की मौजूदगी में अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती है एमबी अस्पताल के अंदर और बाहर। उदयपुर शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इसी बीच ये सबसे बड़ी अपडेट है, चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। मृतक की मां ने कहा है कि आरोपी छात्र पर सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा ही हमारा मुआवजा है। इस घटना को लेकर के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की गई, डॉक्टर्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीमें भी बुलाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद देवराज को नहीं बचाया जा सका। ये बेहद दुखद है। और साथ ही साथ जाबर सिंह खर्रा ने भी लोगों से अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है और कोशिश यही होगी कि न्यायिक प्रक्रिया कम से कम समय में संपन्न की जा सके और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ये सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कहा गया। और इसी बीच हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, तीन अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी है। मां का रो रो करके बुरा हाल है। आखिरकार सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी। आज रक्षाबंधन के मौके पर देवराज की बहनें पहुंची थी, आईसीयू में राखी बांधी थी। उसके बाद ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं छात्र देवराज फिर से ठीक होकर के घर लौट पाएगा, लेकिन उसके बाद जो खबर आई वो ये कि देवराज की मौत हो गई। और अब फिलहाल परिजन अस्पताल में मौजूद हैं। सबसे तेज तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर के? हेमंत, अपडेट अगर मैं बात कर रहा हूं तो पुलिस मुख्यालय से अपडेट यह है कि पूरे इस मामले को लेकर के पुलिस मुख्यालय निगरानी बनाए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल, डीजीपी यूआर साहू और जो तमाम जो बड़े अफसर हैं वो इस पूरे उदयपुर के घटनाक्रम को लेकर के निगाह बनाए हुए हैं। लगातार मीटिंग इनकी चल भी रही थी और इस बीच चूंकि ऐसा एक अंदेशा था कि छात्र की जो जिंदगी है वो ज्यादा बचेगी नहीं और आज वो बात सामने में आ गई, ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से जो अधिकारी थे सीनियर ऑफिसर्स उनको उनका मूवमेंट है अब उदयपुर की ओर से किया जा सकता है उदयपुर की तरफ। और वहीं पर कुछ आरएसी की कंपनियां अतिरिक्त जाप्ता उनको भी वहां लगाया गया है और तैयार रखा गया है। उदयपुर के ऐसे चुनिंदा ऑफिसर जो उदयपुर में उनकी अच्छी साख है, जिनकी पकड़ है उदयपुर की जनता के ऊपर, इनमें एडीजी का दिनेश एमएन का भी नाम सामने आता है, तो ऐसे तमाम उन अफसरों के को रेडी अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी जरूरत पड़ी तो उनको जयपुर से उदयपुर की ओर से भेजा जाएगा। लेकिन बात वो साफ करना चाहूंगा कि 2.5 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड उसी उदयपुर शहर में हुआ था, लेकिन हिंसा की घटना, छोटी सी घटना भी उदयपुर में नहीं आई थी। तब ये बात साफ हुई थी कि उदयपुर की जनता बेहद शांत है, कभी भी इस तरह के उग्र या हिंसक रूप वो कभी लेते नहीं है। लेकिन यदि छात्र की पर चाकूबाजी का मामला सामने आया तो कुछ उपद्रवियों ने उदयपुर के जो शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, अशांत करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल ही पुलिस ने उसको काबू में भी कर लिया। और अभी भी पुलिस मुख्यालय का या राजस्थान के पुलिस अफसरों का या उदयपुर में जो भी अफसर मौजूद हैं उनका यही मानना है कि उदयपुर की जनता अभी भी सब्र से काम लेगी, उदयपुर की जनता शांत रहेगी, किसी भी तरह की हिंसा उदयपुर की जनता नहीं करेगी। तो पुलिस मुख्यालय पूरी तरीके से इस पूरे मामले में निगरानी बनाए हुए हैं जी। लेकिन विष्णु, एक बार फिर से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जयपुर से लेकर के उदयपुर तक सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए जा रहे हैं और क्या ये कोशिश पुलिस प्रशासन की है कि आज ही मृतक छात्र का जो अंतिम संस्कार है वो करवा दिया जाए? देखिए, पुलिस की पूरी कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि निर्देश इस तरीके के दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे और इसी बीच में कोई हुड़दंग ना हो, कोई तोड़फोड़, कोई
कोई बड़ा हिंसक जो रूप ये आंदोलन न ले ले छात्र की मौत की वजह से। इसीलिए दिनेश एमएन एडीजी क्राइम को अलर्ट पर रखा गया है, चूंकि दिनेश एमएन की पकड़ उदयपुर जनता पर काफी ज्यादा है। कन्हैयालाल हत्याकांड के वक्त भी सबसे पहले दिनेश एमएन को ही उदयपुर भेजा गया था, और इसी कड़ी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल को भी इस बार उदयपुर भेजा जा सकता है। वहीं पर ऐसे अधिकारी जो पहले उदयपुर में रह चुके हैं, उनके अच्छे प्रभाव स्थानीय लोगों पर है, सभी समुदायों पर है, उन्हीं अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। करीब 8 से 10 आरएसी की कंपनी अतिरिक्त जाप्ता जो है उनको अलर्ट पर रखा गया है, और आज रातों रात उनको मूव भी वहां पर संभवतः कर जाएगा। वहीं पर उदयपुर संभाग यानी उदयपुर रेंज के जो आसपास के जिले हैं, नरसिंहपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां का जाप्ता भी अब उदयपुर की ओर मूव किया गया है, वहां लगाया गया है। आज रात तक ये जाप्ता वहां पहुंच जाएगा। उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लंबा भी लगातार पुलिस मुख्यालय के संपर्क में है। योगेश गोयल चूंकि जयपुर में रहे हैं, अभी उदयपुर में एसपी हैं, तो सभी अफसरों की आपस में मीटिंग लगातार चल रही है, और कहीं ना कहीं आज रात तक ये जो अफसरों का मूवमेंट है वो उदयपुर की ओर हो जाएगा। जी, लेकिन विष्णु, जो उदयपुर के आसपास के जिले हैं, लिहाजा क्या उनमें भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि राजसमंद और आसपास के इलाकों में भी हमने देखा था कि इस घटना के बाद टायर जला करके प्रदर्शन किए गए थे। देखिए, बिल्कुल प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन आप देखिए लगातार इस घटना के बाद एक आंशिक जिस दिन घटना हुई थी उस दिन बाजार बंद हुए, लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए और कुछ आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जयपुर में भी हाई लेवल की बैठक और लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं तमाम स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। कई जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको सूचित कर दिया गया किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार नजर बनाए हुए हैं राजधानी जयपुर से, और आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर एसपी और जिला कलेक्टर खुद इस वक्त मौजूद हैं। 16 अगस्त को स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई थी, उसके बाद देवराज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो कि राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की गई कि कैसे भी करके छात्र की हालत सुधारी जाए, इसकी जान को बचाया जाए। टीमें भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर बुलाई गई थी, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीमें थी, लेकिन दुखद बात यह कि देवराज को बचाया नहीं जा सका। जैसे ही खबर बाहर आई और जो लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, इसे लेकर के अब तमाम इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हो, कोई भी असामाजिक तत्व स्थिति को खराब नहीं कर पाए, इसे लेकर पुलिस की नजर है। वहीं अलग अलग तस्वीरें देखिए, मॉर्चरी में अब शव को शिफ्ट कर दिया गया है देवराज के। अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और जो मृतक देवराज है छात्र, उसकी मां ने यही कहा कि सख्त सजा ही हमारा मुआवजा होगा, तो वो यही चाहती हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए आरोपी को, और ये मांग पुलिस की तरफ से की जा रही है। और पुलिस ने लगातार परिजनों से समझाइश की है, कोशिश यही है कि आज पुलिस की मौजूदगी में देवराज का अब कुछ ही देर बाद में अंतिम संस्कार हो और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर के पुलिस की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया इस घटना के बाद 17 अगस्त का, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और आपको बता दें कि अलग अलग तीन तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें 17 अगस्त की तस्वीर है, तो साथ ही साथ आज की जो सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जो अपडेट तस्वीरें हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मृतक देवराज के शव को मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा, उसकी तस्वीर है। अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी है, उसकी तस्वीर है। रो रो करके परिजनों का बुरा हाल है। मां को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, अस्पताल में जो मृतक देवराज है उनकी मां मौजूद हैं, और उसके बाद से ही उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग यही है कि उनके बेटे के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये आश्वस्त किया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने यह आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार पूरी कोशिश ये करेगी कि कम से कम अवधि में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो और कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दिलाई जा सके। साथ ही साथ गुलाबचंद कटारिया, जो कि पंजाब के राज्यपाल, इस वक्त खुद उदयपुर में मौजूद हैं, उन्होंने भी न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, और ये भी कहा कि वे लगातार पहले भी मिलकर के आए थे घायल छात्र से, और ये दुखद है कि उसकी मौत हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो ऐसे में लोगों से उन्होंने ये अपील भी की है कि शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें,
और पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात है। अलग अलग जगहों पर अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहरहाल आपको बता दें कि जैसे ही ये चाकूबाजी की घटना हुई थी, उदयपुर शहर में लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला चला था। हालांकि पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई, कंट्रोल किया स्थिति को, लेकिन उसके बाद में घायल छात्र का इलाज MB अस्पताल में चल रहा था। और अभी खबर ये कि जो घायल छात्र, जिसके अचानक से तबीयत और ज्यादा गिरी, उसका ब्लड सर्कुलेशन अचानक से डाउन हुआ और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। इसकी इतला जैसे ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मिली, तुरंत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंच गए थे। अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। मॉर्चरी में शव को ले जाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार शव का किया जाएगा। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत जो है वो पीड़ित परिवार के साथ लगातार जारी है। उन्हें समझाइश करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम शहर में कड़े कर दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए एहतियातन जरूरी कदम जो है वो पुलिस उठा रही है। प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की नजर है। जयपुर में भी इसे लेकर के एक हाई लेवल बैठक हुई है पूरी स्थिति को लेकर के, और कोशिश यही है कि परिजनों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में आज जो मृतक छात्र देवराज है उसका अंतिम संस्कार कर लिया जाए। तो चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से लगातार कोशिश हुई उसे बचाने की। ना केवल जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी, बल्कि कोटा से भी डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची थी और लगातार डॉक्टर्स ये कोशिश कर रहे थे कि देवराज की हालत में सुधार हो जाए। लेकिन दुखद बात यह कि देवराज को बचाया नहीं जा सका और अब परिजनों की तरफ से मांग यही है कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दी जाए। 10वीं कक्षा का छात्र देवराज, और जिसके सहपाठी ने ही उसे चाकू से गोद दिया, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद से लगातार भर्ती था, एडमिट था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल शिमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या अपडेट है अब और कब तक अंतिम संस्कार किया जा सकता है? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। हमारे सहयोगी कपिल शिमाली लगातार वहां पर मौजूद है। अस्पताल के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और परिजन जो है वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। फिलहाल अलग अलग आपको बता दें कि कोशिशें लगातार की गई थी, लेकिन उसके बावजूद देवराज की जान नहीं बच पाई। उम्मीद थी सबको कि आखिरकार जो बच्चा है देवराज वो रिकवर करेगा, ठीक होगा, फिर से घर लौट पाएगा, फिर से स्कूल जा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बेहद दुखद खबर यह है कि MB अस्पताल में इलाज के दौरान घायल छात्र देवराज ने दम तोड़ दिया। परिजन इस सूचना को सुनते ही गहरे सदमे में हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को इतला मिली, उसके बाद तुरंत मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। अस्पताल में जिला कलेक्टर से लगा करके संभागीय आयुक्त, SP और पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। सहयोगी कपिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कपिल, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल फैमिली अंदर है, समझाइश के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और अभी भी जो बताया जा रहा है कि जो परिवार के लोग हैं वो तैयार नहीं हुए हैं। उसकी माँ जो है उन्हें समझाने के जो प्रयास हैं वो स्थानीय पुलिस कर रही है, क्योंकि न्याय देने की मांग कर रहे हैं। ये डिमांड की जा रही है कि आरोप को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कानून के अनुसार अगर हम देखें तो किसी भी तरह के अपराध के लिए सजा देने का एक प्रावधान है, एक तरीका है, और उसी के आधार पर सजा तक पहुंचा जा सकता है। तो ये बड़ी वजह है कि जिस तरह की जो डिमांड है वो की जा रही है। लेकिन अब देखिए, जो बच्चे की माँ है उसका अंदर बहुत बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल है, और अभी भी अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और बार बार वो पुलिस और प्रशासन से यही
गुहार लगा रही है कि उन्हें बाहर आने दिया जाए। और देखिए बच्चे की माँ और इनको बाहर लाने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, उन्हें अब हो सकता है यहाँ से भेजा जाए। ये जो है वो पूरी की हलचल यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ यहाँ पर हलचल जो बड़ी अंदर गहमी का माहौल इस समय बना हुआ है। बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात है, किसी भी तरह के मूवमेंट तो पूरा बाहर जो जाब्ता तैनात है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। और यही सभी की कोशिश है कि अब किसी भी तरह से व्यवस्था जो है वो ना मिले रखा जा सके, क्योंकि अब नेहरू की जो खबर आई है उसने सभी को झकझोर दिया है, सभी को आक्रोशित कर दिया है। और यही आप देखिए कि जो कल जिला इसमें मोर्चे हॉस्पिटल में जो जहां पर बच्चा पहले भर्ती था वहां पर बाहर अभी भी लोग जो हैं उनकी भीड़ अभी मौजूद है। हालांकि बाहर अब किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिल रहा, आक्रोश जरूर लोगों में है, लेकिन इमरजेंसी की अंदर जो ICU की जो लॉबी है वहां काफी आक्रोशित है, परिवार के सदस्य काफी आक्रोशित है। विशेष रूप से अगर हम बच्चे की माँ की बात करें तो वो किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं, बहुत बुरी स्थिति जो है वो बच्चे की माँ के अंदर हुई है। और पर्दे है जो गेट के जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं ताकि बाहर से कुछ मूवमेंट नजर ना आ सके, गेट बंद कर दिए बंद रखे हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई मूवमेंट बाहर जो है वो ना हो पाए। परिवार के सदस्य अंदर हैं और सभी का रो रो कर बुरा हाल है, बेहद चिंताजनक स्थिति परिवार के सदस्यों की भी बनी हुई है, गम का माहौल बन चुका है क्योंकि निधन की जानकारी जो है वो सामने आई। और पहले से इस तरह से माइंड प्रिपेयर किया जा रहा था कि बच्चे की स्थिति स्टेबल है और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, ऐसे में सभी की उम्मीद लगातार बढ़ रही थी कि ईश्वर यदि थोड़ी भी उम्मीद है तो इस बच्चे को पुनः स्वस्थ करते हुए इसे हॉस्पिटल से घर भेजेगा। लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आई वो निश्चित तौर पर जो है वो गम का माहौल लाने वाली, एक मासूम बच्चा जो एक मामूली सी स्कूल लड़ाई के बीच में घायल होता है उसके बाद में पूरे शहर में तनाव की स्थिति बनती है, पूरा शहर आगजनी और पथराव के घेरे में आ जाता है। और फिर इलाज काफी कराया गया लेकिन उसके बावजूद इलाज जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया और आखिरकार बच्चे की मौत हो गई। तो सारे प्रयास अब विफल हो गए हैं, अब सिर्फ प्रयास किए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रखने। कपिल, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा क्या यहां पर कोई जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में पहुंचे हैं, मौजूद हैं अंदर? बिल्कुल, देखिए इस समय हॉस्पिटल के अंदर कई सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उदयपुर के विधायक हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, बीजेपी के स्थानीय जो नेता हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी हॉस्पिटल में काफी देर पहले से मौजूद है और जैसे ही बच्चे की स्थिति खराब होने की जानकारी मिली थी सभी जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंच चुके थे। SC मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस समय हॉस्पिटल परिसर के अंदर मौजूद हैं और बच्चे के जो परिवार के लोग हैं उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल अंदर की स्थिति जो है वो ज्यादा तनावग्रस्त बनी हुई है बनिस्पत बाहर के, बाहर लोगों में आक्रोश जरूर है लेकिन लोग फिर भी शांत खड़े हुए, लेकिन हॉस्पिटल इमरजेंसी यूनिट के अंदर की जो लॉबी है वहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जी कपिल, शहर में भी क्या अब सुरक्षा को कड़ा किया गया है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस की मौजूदगी में देवराज का अंतिम संस्कार आज ही हो जाए? बिल्कुल, देखिए एक मूवमेंट हुआ है, संभवतया परिवार के लोग बाहर निकले हैं और दूसरे गेट से, जिस गेट से को बाहर निकाला गया था उस गेट से कुछ मूवमेंट हुआ है, कुछ लोग वहां से बाहर निकले हैं। स्थितियां क्योंकि जो परिवार के सदस्यों में जो गुस्सा है वो कुछ लोग अंदर घुसे हैं, कुछ लोगों ने अंदर प्रवेश किया है, हालांकि वो कौन लोग हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के दूसरे गेट से अंदर की ओर प्रवेश किया है, अंदर की ओर किया है। जी कपिल, यहाँ पर जिस तरीके से देखिए अब बता रहे थे कि जैसे ही ये खबर आई कि अब देवराज नहीं रहा उसके बाद और उससे पहले भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ा दिया गया था,
क्या राज्य सरकार की तरफ से और जयपुर से भी कोई बातचीत यहाँ पर भीतर से हो रही है कि किस तरह से अब क्या कोई मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाए या कोई आश्वासन परिजनों को ये दिया जाए कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान पर राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम से लगाकर के कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कपिल जी देखिए, राज्य सरकार जरूर पीड़ित परिवार के साथ में है, राज्य सरकार परिवार के साथ में है और ये विश्वास दिलाया है कि हर संभव प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जाएंगे, हर तरह से सहायता सरकार द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनको दिलाई जाएगी। लेकिन आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो मोर्चरी के जो हॉस्पिटल के बाहर जो लोग खड़े हैं, चाहे उनकी संख्या कम है लेकिन काफी गुस्से में वो लोग नजर आ रहे हैं। आक्रोश में जो लोग हैं वो इस समय देखे जा रहे हैं, शोर शराबा हॉस्पिटल किया है और अंदर घुसने के भी कुछ लोगों ने प्रयास किया। हालांकि गेट बंद है, पुलिस का जाब्ता तैनात है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति का अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। आप ये कह रहे थे कि पीछे के गेट से कोई बाहर निकला है, मूवमेंट हुआ है, क्या परिवार के लोग कोई बाहर आए हैं? देखिए पूरा की पूरी जो भीड़ थी वो एक साथ दूसरे गेट की ओर दौड़ कर पहुंची थी, वहां पर कुछ मूवमेंट हुआ था लेकिन किस तरह का मूवमेंट है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ जो लोग हैं वो इस बात पर बिल्कुल और हमारे सहयोगी लगातार कपिल शिमाली नजर बनाए हुए हैं हालात को लेकर के, स्थिति पर। और इस वक्त तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वे मौजूद हैं और अस्पताल के भीतर जनप्रतिनिधि, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधायक से लगा करके, वे भी मौजूद हैं। और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग हम तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें एक जो पहली तस्वीर है वो अस्पताल के ठीक बाहर की तस्वीर है, बीच की तस्वीर उस स्कूल की तस्वीर है जिसमें देवराज पढ़ता था और चौहट्टा की ये तस्वीर है जहाँ पर ये स्कूल है, सरकारी स्कूल की, और यहीं पर ये वारदात हुई थी। इस स्कूल के ठीक बाहर इस छात्र देवराज को चाकू से गोद दिया गया था। और जो अंतिम तीसरी तस्वीर है वो मोर्चरी के रास्ते की तस्वीर है जब डेड बॉडी को लेकर के मोर्चरी में इसे शिफ्ट किया गया अस्पताल से, और ये जरूर कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद आज मृतक छात्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले लगातार प्रशासन की तरफ से और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से समझाइश का दौर चल रहा है परिवार के लोगों के साथ में, क्योंकि परिवार ने यह साफ कर दिया था कि जब तक आरोपी छात्र को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, कातिल को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तब तक वे डेड बॉडी नहीं लेंगे। तो अब कोशिश यही है कि परिवार के जो लोग हैं उनसे एक आम सहमति बन पाए कि आज अंतिम संस्कार हो सके, इसे लेकर के लगातार भीतर बातचीत हो रही है। अस्पताल के भीतर अस्पताल के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है, बाहर से किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अंदर से भी कोई बाहर नहीं आ रहा है। हालांकि बाहर एक अलग भीड़ खड़ी हुई है जो इस इंतजार में है कि कोई बाहर आए, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर के समझाइश में परिवार वालों के साथ लगे हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र की मौत के बाद एक बार फिर से ये सवाल कि आखिरकार उदयपुर को किसकी नज़र लगी, जो इस तरह की घटनाएं सामने आई, पहले कन्हैयालाल हत्याकांड और उसके बाद में अब देवराज की मौत। अस्पताल के बाहर SP, जिला कलेक्टर और पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। वहीं जयपुर से लगा करके उदयपुर तक में पुलिस प्रशासन में मंथन का दौर चल रहा है, चिंतन का दौर चल रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। हालांकि आज रात 10 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी की समय सीमा थी जिसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के उनकी मौजूदगी MBA अस्पताल में इस वक्त है और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी कपिल शिमाली अस्पताल के ठीक बाद मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना को लेकर के लगातार तनाव की स्थितियां देखने को मिली थी, घायल छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन आज घायल देवराज ने दम तोड़ दिया। और इसके बाद परिजनों की मांग यही है कि जब तक वे डेड बॉडी नहीं लेंगे
जब तक कड़ी से कड़ी सजा आरोपी को नहीं दी जाती है। यह भी कहा गया है कि जो कड़ी से कड़ी सजा है, सख्त सजा, वही उनका मुआवजा होगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये परिजनों का कहना है। बहरहाल राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि लोग धैर्य बनाए रखें, राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। कोशिश पहले भी लगातार सरकार ने की कि किसी भी तरह से जान छात्र की बचाई जा सके, लेकिन दुखद है कि छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। और अब अलग अलग तीन तस्वीरों के बाद हालात को जरा समझिए। उदयपुर से पहली तस्वीर, जो सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, देवराज की मौत के बाद जिस तरीके से लगातार पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई और डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल